नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज रेलवे NTPC 19 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। आज क्वेश्चन दोस्तों पूरा का पूरा घुमा फिरा के पूछा था, है ना। 86 नंबर का सबसे ज़्यादा आज जितनी बच्चे हमें क्वेश्चन शेयर किए हैं 86 नंबर सबसे ज़्यादा था। तो आइए जानते हैं दोस्तों कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किस समिति की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों कौन सी समिति थी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए स्थापित की गई थी, वह हंटर समिति थी, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, हंटर समिति थी, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि ट्रेन 18 को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये वंदे भारत के नाम से जाना जाता है। इसकी स्पीड जो है तो 180 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है दोस्तों। ट्रेन 18 को किस नाम से जाना जाता है, वंदे भारत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 2018 में CWC कॉमनवेल्थ गेम में मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल किसने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैरी कॉम, ठीक है। 2018 की बात है दोस्तों, CWG में किसने जीता था गोल्ड मेडल, मैरी कॉम ने जीता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, चोल वंश के शासक ने कौन सा मंदिर बनवाया था, ठीक है। चोल वंश के शासक ने कौन सा मंदिर बनवाया था दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, जो कहाँ थे, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल किला किसने बनवाया दोस्तों, शाहजहां ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों कि इडुक्की बांध कहाँ बना हुआ है। दोस्तों ये केरल में बना हुआ है और ये पेरिया नदी पर बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूछ भी सकता है कि कौन सी नदी पर बना है, पेरिया नदी पर बना है और कहाँ बना है दोस्तों, केरल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आया था दोस्तों, 2020 में फिल्म फेयर अवार्ड किस एक्टर्स यानी अभिनेत्री को बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड दिया गया था। तो आलिया भट्ट, और यही दोस्तों अभिनेता कौन है जिसको ये बेस्ट अवार्ड दिया गया था, रणवीर सिंह को, ठीक है, याद रखिएगा। बेस्ट अवार्ड एक्टर के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है, तो रणवीर सिंह है। इसके बाद CLI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है दोस्तों, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कमांड लाइन इंटरफेस है, ठीक है, CLI का फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, घनानंद था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पूछा था कि अजातशत्रु किसका पुत्र था, ये बिंबिसार का पुत्र था, ठीक है दोस्तों, बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। इसके बाद सिरका यानी कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, तो एसिटिक एसिड होता है, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन था, फेफड़ों के मध्य कौन सी ग्रंथि होती है, ठीक है दोस्तों, इसको कमेंट्स में कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन जो है बच्चों ने जो बताया, ये क्लियर क्वेश्चन नहीं बताया था, अगर आपको पता हो क्वेश्चन के बारे में तो ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो बताया गया था, बॉम्बे का नाम मुंबई कब पड़ा, ठीक है, तो ये 1995 में पड़ा था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट जो पूछा था, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, 1924-25 में हुआ था, ठीक है। बंगाल के वह क्रांतिकारी जिनकी मृत्यु क्रांतिकारी घटना के दौरान सबसे कम उम्र में हुई थी, वो भारत के क्रांतिकारी थे, ठीक है दोस्तों, उनका नाम क्या था, खुदीराम बोस, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, खुदीराम बोस था, ठीक है। नेक्स्ट था, आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में रहते थे, गुप्त साम्राज्य, ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ, ये लंदन में आयोजित हुआ है, ठीक है। चेन्ना केशव मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, ये बेलूर में स्थित है, ये कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। UPSC किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, तो 315, ठीक है दोस्तों। तोरा बोरा की पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है, तो ये अफगानिस्तान में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, लेडी विलिंगटन पार्क किस राज्य में स्थित है, या दिल्ली में स्थित है, ठीक है। प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा दोस्तों, 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है, तो देव आनंद जी को मिला है, 2002 में मिला है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अगर पसंद है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।